Yes. टीबीएस में किसी का डाउट है कुछ? नो सर। नहीं सर। अभी बोर्ड में ही हूँ। हाँ, बोर्ड लेवल में ही हूँ। सिंप्लीफाई टीवीएस में किसी का कोई डाउट है? अभी बोर्ड लेवल में हूँ, बोलोगे तो कर दूंगा यहीं पे। हाँ, सिंप्लीफाई। चलो, रूट आवर वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ रूट आवर वन माइनस एक्स स्क्वायर भी है। रूट आवर वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ रूट आवर वन माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो क्या क्या जाए? मैंने कुछ कहा था, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, तब एक्स को हम ए कॉस टू थीटा देते हैं। तो उस लॉजिक से यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रूट आवर वन माइनस एक्स स्क्वायर भी और वन प्लस एक्स स्क्वायर भी है, इसलिए एक्स को क्या दोगे? ए कॉस टू थीटा। मगर यहाँ पे ए का वैल्यू वन है, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो कॉस टू थीटा ही होगा। तो अगर मैं कॉस टू थीटा डाल दूं इस वाले में, तब टेन इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू कैसा दिखेगा था? कॉस टू थीटा डालूं तो क्या फॉर्मूला लगेगा? बड़ा शांति हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा, तो क्या फॉर्मूला था अपना? टेन इनवर्स ऑफ रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा रूट टू साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसका क्या तरीका था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय cos थीटा, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, जो जो किसका फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस pi बाय 4 थीटा। खेला खत्म। अब क्या करोगे? थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो। कॉस टू थीटा एक्स स्क्वायर है, तो ट्वाइस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? पाई बाय फोर प्लस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, टाइम दे देते। दो मिनट का डाउट है तो बोलोगे।
थोड़ा नीचे कर देंगे। चलो आगे चलते हैं, लिख लो इसको, इसमें लिख लो। सर हो गया। सेकेंड वाला सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स, इसे सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पलर का सामने तो अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ एंगल क्या क्या है, ये एक्स है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखता है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स है तो मुझे इस वाले को कॉस से बनाना ज्यादा पसंद है, इसलिए अगर मैं इसे 3 ले लूं, इसे 4 ले लूं, इसे 5 ले लूं तो 3/5 के बदले क्या लिख सकता हूँ, ऑलरेडी एक्स है तो ए ले लेता हूँ, ये कॉस ए कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन एक्स, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो हेंस वाई का वैल्यू क्या हो गया, तो ये कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, ए प्लस एक्स, तो हेंस वाई इक्वल टू ए के बदले क्या लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कॉस का वैल्यू कितना है 3/5, तो ए का वैल्यू क्या हो गया कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स, खेला खत्म। ठीक है, नॉर्मली ये सब सम यहाँ पे नहीं आएगा, तुम वास्तव में ऐसा सम नहीं लिखोगे तो सर क्यों बता रहे हो, नहीं देखोगे डीवाई बाय डीएक्स में देखोगे, अब बोलेगा इसका डीवाई बाय डीएक्स निकालो तो क्या इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आंसर वन है, तो ये चीज डिफरेंशिएशन में दिखता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि चार मार्क्स अभी के लिए बहुत छोटा हो जाता है, मगर भाई डीवाई बाय डीएक्स दे देता है तो दो चीज करना होता है, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में ऐसे समझ दिखे। सर हाँ बोलते जा। सर आपने फंक्शंस का लास्ट प्रॉपर वीडियो दिया है क्या? नहीं 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 दिया। ठीक है, आगे चलूं? यस सर। सर थोड़ा रुकिए। ठीक, सर हो गया। चलो प्रूफ दैट cos of tan inverse sine of cot inverse is equal to root over of a square plus 1 by a square plus 2. Solution. मैं जब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं तो ये मुझे cos of tan inverse sin of cot inverse ही मिल रहा है। मैंने ऐसे सम के लिए कुछ बोला था लास्ट क्लास में, कोई मुझे बोलेगा तो मुझे सुन के अच्छा लगेगा। ऐसे सम को करने का तरीका क्या था? cot inverse pi by 2 minus, नहीं तो pi by 2 लेने से तो cot कैंसिल नहीं होगा, cot inverse a को एंगल a ले लेता हूं, आया समझ में? देखो सम को पकड़ना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ और कई लोग पकड़ रहे हो, नहीं मैं मुझे ठीक है, इस बार जो एग्जामिनेशन मैंने लिया और उसमें इन जनरल जो बंदे लोगों ने किया है मुझे ठीक ठाक ही लगा है। ठीक है, किसी का एक्सपेक्टेशन से कम हो सकता है मगर मुझे ठीक ठाक ही लगा है कि हम तुम लोग कर रहे हो। हाँ, वन ए और रूट ओवर वन प्लस ए स्क्वायर,
तो कई लोग पकड़ पा रहे हो, मैं जान रहा हूँ, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया था उनके बारे में मुझे नहीं मालूम है। ए वन और वन प्लस ए स्क्वायर, तो जब भी तुम ऐसा देखोगे तो इसे एंगल लोगे, और मैं जान रहा हूँ कि कई लोग नहीं बोलते हो मगर जानते हो वो चीज, मगर क्या होता है ना, बोलने से क्या होता है जानते हो, एक अजीब सा चीज है कि मुझे मोटिवेट मिलता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। तो साइन ए का वैल्यू अब यहां से निकाल के देखो ना, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन ए का वैल्यू हो जाएगा वन बाय रूट ऑवर ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर। अब बोलो दोबारा क्या कोई एंगल मिल रहा है, ध्यान से देखो ना, क्या दोबारा तो यू आर गेटिंग सम एंगल, टेन इनवर्स देखते ही दिमाग में एंगल आएगा, तो इसलिए मैं टेन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट ऑवर ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर को अगर बी ले लूं तो टेन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाय रूट ऑवर वन प्लस ए स्क्वायर। अभी भी बोल रहा हूँ, शर्माओ मत, किसी को टीपीएस में डाउट है तो पूछो, पूछ लो मुझसे, ठीक है, एक दो जगह डाउट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है, शर्माओ मत, अगर ट्राई किया है और डाउट है तो पूछोगे मुझसे। कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू रूट ऑवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर प्लस टू, बोर्ड लेवल में करा रहा हूँ, इसी के साथ करवा दूंगा, किसी को टीपीएस में डाउट है तो बोलेगा मुझसे, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चले। डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं, आगे चलो। यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कराने का मन, सॉल्व टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इजिकल टू पाई बाय फोर, क्या करूंगा, जब भी तुम्हें ये मिलता है इसका एक फॉर्मूला था, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का एक फॉर्मूला था, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी बाय वन माइनस ए बी, ये प्रूफ नहीं करना, ये सॉल्व करना है। तो गिवन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू का वैल्यू पाई बाय फोर, आदि से उठाया हुआ सम है ये, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस डिवाइडेड बाय वन माइनस इज इक्वल टू पाई बाय फोर। अगर टेन इनवर्स इस साइड आ गया तो वन, कुछ लोग छोड़ दोगे सर बहुत बड़ा होता है, मगर करके देखो, सब कुछ कैंसिल उनसिल होके बड़ा सुंदर सा वैल्यू आता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू, और दिस इज नॉट द आंसर, तुम्हें अब चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा, अब पुट अप करके क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स का वैल्यू वन बाय रूट टू दूं तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो रहा है, देखो तो
एक्स वन बाय रूट टू दोगे तो ऊपर भी नेगेटिव आएगा नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव और इस साइड भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब चलेगा। माइनस वन बाय रूट टू दोगे तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, तो दोनों रूट ही चलेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नीचे कर दूंगा, डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कहीं डाउट है तो पूछो। क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा। कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर के लिए कब चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे वही देखो, अब वही एक प्रॉब्लम है, समझ में आया? कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर तो तीन तीन लगता है, तो मैंने नॉर्मली अभी तक वो सम्स नहीं देखा है जहां पे तुम्हें यहाँ पे कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर लगा के सॉल्व करना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर लगा के सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप करके डायरेक्टली पुटअप कर दो आ जाएगा। सर थोड़ा नीचे ले जाइए, मतलब यहाँ पे कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर मत लगाना कि सर आगे पाई भी लग सकता है, माइनस पाई भी लग सकता है। तुम बोलोगे सर आप इसी गलत चीज बोल रहे हो, मगर क्या करोगे, ठीक है? अगर यहाँ पे तीन तीन केस लेके सॉल्व करोगे तो खत्म हो जाओगे। सर बोर्ड एग्जाम्स में क्रॉस चेक करके दिखाना पड़ेगा या फिर वो रफ में करना पड़ेगा? नहीं 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 दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। मेरे ख्याल में मैंने एक सम लास्ट क्लास में दिया था, टेन इनवर्स सिक्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स फोर एक्स, टीबीएस में दिया है, उसमें क्या दोनों रूट आ रहे हैं? मेरे ख्याल में एक रूट हटता है क्या, नहीं हटता है क्या? एक ही रूट आ रहा था, एक ही रूट आ रहा है उसका, ठीक है मैं आज दे दूंगा वैसे वाले सम जिसमें रूट आएगा एक से ज्यादा और हटाना पड़ेगा। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, मतलब आज मैं तुम्हें कुछ अच्छे चीजें करवाऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? लास्ट क्लास थोड़ा सा बोरिंग था, मगर उसका रीजन ये था कि लास्ट क्लास में थोड़ा स्पीड में निकल रहा था कि हाँ चलो सब फॉर्मूला एक बार करवा देता हूँ। आज तुम लोगों को आज का क्लास तुम लोग अप्रिसिएट करोगे मेरे ख्याल में, दो घंटे के बाद सर की कुछ सीखने को मिला है। हाँ एक दो जगह मेरा हाथ बंधा हुआ है कि सर आप अभी जो बोला सर कंपनसेटिंग फैक्टर आपने ऊपर क्यों नहीं लगाया, मगर तीन तीन कंपनसेटिंग फैक्टर अगर मैं ऊपर लगाऊं तो सॉल्व करने में भी काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है? हालांकि वी लेटर ऑन व्हेन वी विल डू सम एंट्रेंसेबल प्रॉब्लम, अभी नहीं, ठीक है? तो यू मे गेट सम टाइम्स, तो जहां पे मैं तुम्हें मैं दिखा दूं कि हाँ देखो कैसे हटा रहा हूं बाकी चीजों को, मगर यहां पे अभी वो सोचने का जरूरत नहीं है, अभी वी आर इन बोर्ड लेवल, जो दिया हुआ है वी आर गोइंग टू गोइंग इट डायरेक्टली। हां साइन इनवर्स 6x + साइन इनवर्स, देयर इज नो फार्मूला फॉर साइन इनवर्स, तो क्या करूंगा जिसे कुछ बोलने का मैंने बोलो tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, उससे एग्जैक्टली आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है, मगर हम वो नहीं करेंगे। और मैं चाहता था कि तुम tan बोलो, तब उससे क्या फायदा हो गया कि तुम्हें पता चल गया कि हाँ तुमने एक काम किया कर दिया tan वाला, उससे आंसर आएगा, मगर मैं देखो क्या करूंगा, एक एंगल को इस साइड लेके चले जाऊंगा, 6x easier है, मैं 6x को लेके जा रहा हूँ, तो बोलो कि सर आपने easier को ही आप उस साइड क्यों लेके गए, नहीं 6√3x से भी आंसर आएगा, मगर इसका एक रीजन है, ट्रायंगल बनाने में मुझे आसान होगा, मैं ये सब देखते ही पकड़ रहा हूँ कि मुझे ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, मैं देखते ही मैं इस चीज को पकड़ रहा हूँ। अब ये साइन इनवर्स अगर इस साइड आएगा तो ये क्या होगा, क्या ऐसा सम तुमने कभी किया है जब तुम्हें साइन इनवर्स मिलेगा साइन के अंदर क्या हुआ है? मैं जानता हूँ, और ऐसे सम का एक ही ट्रिक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन ए का वैल्यू 6x, ट्रायंगल बनाओगे ए, 1 - 36x2, तो इससे क्या फायदा हुआ, 6 ये मैं जानता हूँ कि हम लोग कर चुके हैं, माइनस पाई बाय टू माइनस है, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन पाई बाय टू प्लस है, तो मैंने ये स्टेप को पहले ही पकड़ लिया था कि मुझे मालूम है मुझे कॉस मिलने वाला है,
इसलिए मैं रूट थ्री वाला नहीं लिया था। अब कॉस ए का वैल्यू वन माइनस 36 एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करके देख लेना, एक्स का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन बाई टू, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। अब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, हाँ साइन इनवर्स सिक्स एक्स, अब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, साइन इनवर्स सिक्स एक्स प्लस साइन इनवर्स सिक्स रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। मुझे कोई ये बोलेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर मेरा एक्स, अगर ए नेगेटिव था तो साइन इनवर्स ए कहां से कहां तक था, कोई बोलेगा? साइन इनवर्स आज बहुत इंपॉर्टेंट, आज का लास्ट टॉपिक केवल इसी के ऊपर डिपेंड है, तो अभी से ही शुरू करते हैं। साइन इनवर्स ए कहां से कहां तक होता है? साइन इनवर्स ए, मैं ए नहीं बोल रहा हूं, चुप हो गए, सुनाई दे रहा है या नहीं, पहले ये बोलो। यस सर, यस सर। तो साइन इनवर्स ए कहां से कहां तक हो रहा है, क्योंकि तुम्हें ये समझना भी है कि रुपेश सर जब कहां से कहां तक बोल रहे हैं तो वो क्या बात कह रहे हैं। मैं साइन इनवर्स ए का रेंज पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स ए कहां से कहां तक होता है, मतलब कईयों को यही समझ में नहीं आता सर आप हिंदी में पूछ क्या रहे हैं, साइन इनवर्स ए कहां से कहां तक हो रहा है, मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। मगर जब ए नेगेटिव होगा तो तब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ए नेगेटिव है इसलिए उसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तब मगर इस साइड देखो क्या मिला, पॉसिबल नहीं है। जब एक्स का वैल्यू माइनस वन बाय ट्वेल्व डालोगे तो क्या मिलेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या, ये पॉसिबल है, तो देयर इज नॉट, देयर दो सॉल्यूशन नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल एक ही होगा, कौन सा, माइनस वन बाय ट्वेल्व। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोल सर, इसमें हम साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला, ओ ओके सर, सर सॉरी, मैं अभी बोर्ड लेवल में हूँ। यस सर, मैं नहीं लगा सकता। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है, नीचे वाला, नीचे वाला तो लिख लिया, ठीक है, कोई लिखना चाह रहा है तो ठीक है भाई। निकलूं आगे? यस सर, यस सर। Prove that. That tarika, prove that thing, solve. Solve. Pi by 6. यहां तो आप मुझे बोल सकते हो, ये तो इससे पहले वाला समय है, एग्जैक्टली उसमें पाई बाय टू है, ये पाई बाय सिक्स है, तो पहला स्टेप क्या होगा, दूसरी तरफ ले जाना। क्योंकि मुझे मालूम है मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, तो x बाय टू से ट्रायंगल बनाना आसान होगा या x से ट्रायंगल बनाना ज्यादा आसान, सर
एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इस साइड आ गया। मतलब देखो एटलीस्ट अब तुम बोलोगे सर समझ में आई, एक पैटर्न में गिर रहा है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और तब तुम कॉस इनवर्स एक्स को क्या ले लोगे ए, तो एक्स का वैल्यू क्या ले लोगे कॉस ए, ये एंगल ए हो जाएगा, ये एक्स ये वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास पास्य का कलेक्शन है एकदम अतिशयोक्ति नहीं है, 95% ऑफ द पास्ट ईयर जेई का टॉपिक यहीं से गिरता है, क्या फायदा? एक्स बाय टू इज इक्वल टू क्या, साइन पाई बाय सिक्स, सॉरी पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूं, क्या क्या मिला तब, इसका वैल्यू ए अरे साइन पाई बाय सिक्स माइनस ए, तो दिस इंप्लाइज एक्स बाय टू इज इक्वल टू साइन पाई बाय सिक्स कॉस ए माइनस कॉस पाई बाय सिक्स साइन ए, दिस इंप्लाइज एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू कॉस ए का वैल्यू, एक्स कॉस पाई बाय सिक्स रूट थ्री बाय टू साइन ए का वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने गलती लिखा है ना, मैंने ट्राइंगल, मुझे बोल दिया करो हाँ बोल दिया करो, ठीक है प्लीज बोल दिया करो, हाँ ठीक है प्लीज बोल दिया करो, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि कुछ और भी चीज बोलते रहता हूँ ना, कंसंट्रेशन वांडरिंग ब्रेन इज वेरी बैड, मगर इधर उधर चला जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो न्यूमरेटर में नहीं आएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन, तो आप क्रॉस चेक करोगे। मैं क्रॉस चेक में भी उतना ही इंटरेस्टेड हूँ जितना मैं ये सब सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय टू, अब मुझे दोबारा बोलोगे, हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ ताकि तुम लोग मुझे सही बोल पाओ, कॉस इनवर्स ए कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, समझ में आया मेरा लैंग्वेज, समझ में आया, जब मैं बोलता हूँ कि कहाँ से कहां तक लाई करता है, मतलब मैं रेंज पूछ रहा हूं, कहां से कहां तक लाई करता है, मैं ये बार बार पूछूंगा, हाँ तो इसका मतलब समझो करता है, मतलब मैं रेंज पूछ रहा हूं, तो कॉस इनवर्स ए कहां से कहां तक लाई करता है, जीरो टू जीरो से पाई, तो कॉस इनवर्स एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, समझ में आया, दीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, होगा या नहीं, यस सर, यस सर, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, तुम बोलोगे नहीं सर ए नेगेटिव हो सकता है, मैं भी बोल रहा हूँ ए नेगेटिव हो सकता है, मगर कॉस इनवर्स ए नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो चलो अगर मैं एक्स का वैल्यू वन डालूं तो क्या फायदा, कॉस इनवर्स एक्स पॉजिटिव, साइन इनवर्स एक्स बाय टू पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, मैं चेक नहीं करूंगा क्रॉस चेक, मतलब मैं क्योंकि वैल्यू में सेम है, जब मैं एक्स का वैल्यू माइनस वन लू तो कॉस इनवर्स एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं एक्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कॉस इनवर्स एक्स पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव, साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या हो सकता है, दिस कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब तुम नहीं बोल सकते, तब क्या करोगे इसको, यू विल पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन में पुट अप करके देखो माइनस वन क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन पाई माइनस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू क्या मिला, फाइव पाई बाय सिक्स, मगर है क्या यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू पाई बाय सिक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हेंस क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स इज इक्वल टू वन ही केवल होगा, ये मैंने चेक नहीं किया क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो फिर पॉजिटिव होने से तो ये वाला इक्वेशन से यही जो काम मैंने किया, ठीक है। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखो तुम बोलोगे कईयों को डाउट, पहले ये समझो ये हुआ क्यों, तुमने देखो तुमने इनवर्स से यहाँ पे तुम साइन लेके आ गए, आ गए ना साइन, जब तुम साइन लेके आते हो तो मुझे ये बोलो साइन फाइव पाई बाय सिक्स और साइन पाई बाय सिक्स का वैल्यू सेम होता है या नहीं, यस सर, तो यही रीजन के कारण ये मिल रहा है, मगर प्रॉब्लम है कि तुम्हें साइन के ऊपर काम नहीं करना, तुम्हें साइन इनवर्स के ऊपर काम करना है, तो फाइव पाई बाय सिक्स उसके रेंज से बाहर आ जाता है, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन होने का चांस होता है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो,
सर थोड़ा नीचे ले जाइए हो जाने से बोल देना, टाइमर देना भूल गया था। सर हो गया। चलो लास्ट सम बोर्ड लेवल का इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय बी इक्वल टू अल्फा Prove that x square by a square minus twice xy by ab cos alpha plus y square by b square equal to sin square alpha. Solve. Try करके देख. Sorry, मैं ही करूँगा. लिखना है तो लिख लो. Fifteen second दे रहा हूँ समझ. आगे चलूं? यस सर यस सर तो अभी थोड़ी देर पहले तो क्या था लास्ट दो टाइप दो पार्ट से तो यही कर रहा हूं क्या करूंगा यहां पे क्या दिमाग है ए और बी लेके हाँ वो भी कर सकते हो नहीं तो अभी जो मैंने किया था क्या Shifting. उससे भी आंसर आएगा कल एक बैच में मैंने ए बी लेके करवाया था एक बैच में ऐसे करवाया मगर क्योंकि ये ऊपर वाले टाइप में गिर रहा है इसलिए मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ ये cos of क्या आएगा अल्फा माइनस cos इनवर्स y by b तब क्या करोगे cos इनवर्स y by b को a ले लोगे तो cos a का वैल्यू क्या होता है y by b तो अगर ये एंगल a ले लूं तो ये y b तो ये कितना रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो इसका मतलब एक्स वाई का वैल्यू क्या आया कॉस समझ में आ रहा है रे अल्फा माइनस है किसी को डाउट कोई कुछ पूछ नहीं रहा है पता नहीं हाँ कॉस अल्फा साइन है ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं क्योंकि हाँ मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बंदे लोग उस दिन एग्जाम दे चुके हो ठीक है इसका मतलब है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है क्लास अच्छा लग रहा है कॉस ए का वैल्यू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ए का वैल्यू कॉस ए का वैल्यू मैंने गलत लिख दिया सॉरी एक्सट्रीमली कॉस ए का वैल्यू वाई बाय बी माइनस साइन अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा ही होगा और साइन ए का वैल्यू भी अब ठीक है आंसर यहीं पे खत्म हो सकता है हाँ आराम से मैं तुम्हें देखना होगा ना जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या उसमें रूट ओवर है नो सर अब वो पकड़ना होगा तुम्हें यहाँ पे रूट ओवर गायब है तो इसलिए ये रूट ओवर को गायब करना होगा अब रूट ओवर को गायब करने के लिए कौन सा बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है क्या करूँ समझ में आ रहा है सबको एक साइड में लेके आ जाओ पहले क्योंकि रूट ओवर को एक साइड में रखो ना पहले ठीक है तो ये रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी अब मैं इसे स्क्वायर करूं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस एक्स वाई बाय ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एग्जाम खूब दो ठीक है जब मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिस टेस्ट भी देता हूं तो वो भी दो सर पूरा रिवीजन करके प्रैक्टिस टेस्ट देंगे जरूरत नहीं है ठीक है माइनस ट्वाइस एक्स वाई ए बी बस बैठ जाओ हाँ एक घंटा आराम से निकाल सकते हो रात को सोने से पहले बैठ जाओ ठीक है मगर एग्जाम खूब दो खूब एग्जाम दो खूब एग्जाम दो क्या फायदा ये दोनों को अगर मैं ले लूं तो कुछ फायदा हो रहा है देखो ना इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने का मन नहीं
वो तो तुम भी कर सकते हो रे, लिखना है तो लिख लो, खूब एग्जाम दो, खूब एग्जाम दो। आज मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को स्पेशल डीपीपी इन इनवर्स दे रहा हूँ, हाँ वही टू बी सबमिटेड सीट है, जो बंदे सबमिट कर पाएंगे सबमिट करेंगे, वरना कितना चीज करोगे ये भी हो जाता है। सर उधर प्लस होगा शायद कॉस अल्फा माइनस अल्फा माइनस है। ठीक बाकी सब ठीक, थैंक्स। सर नीचे मैं हर समय टाइमर देना भूल जाता हूँ, सॉरी एक मिनट का टाइम देना। चलो आगे। हाँ सर। बोट प्लस मैं कुछ फॉर्मूलास दे रहा हूं, do not use in your board exam. तुम बोलोगे सर स्कूल में यूज किया था, मैं रिस्क नहीं लेता हूं, अगर स्कूल के टीचर ही तुम्हारे स्कूल का पेपर चेक करेंगे तो बात अलग रिजल्ट। जैसे टू tan inverse x देखे हो वैसे ही टू sin inverse x का एक फॉर्मूला है, sin inverse of cos x 1 minus x square. कॉस टू थीटा का कॉस के टर्म में एक फॉर्मूला था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स, देखो कॉस इनवर्स ऑफ पैटर्न को देखो, साइन टू थीटा को क्या लिखते थे टू साइन थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम इस पैटर्न को पकड़ो, क्या ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम नहीं है? यस सर। क्या ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम नहीं है? मतलब अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि कॉस थ्री थीटा का एक फॉर्मूला था, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो इस लॉजिक से बोलो थ्री कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? तब कोई बोलेगा तभी मैं आगे जाऊंगा, वरना मैं भी एक घंटा तक ऐसे ही बैठे रह जाऊं। ठीक है, अब आगे और बोलने का जरूरत नहीं है, आगे मैं करते जाऊंगा। थ्री साइन इनवर्स एक्स साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स ऑफ थ्राइस एक्स माइनस फोर के, थ्री टेन इनवर्स एक्स टेन थ्री थीटा का एक फॉर्मूला था, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन इनवर्स ऑफ, मगर ये सब में कंपनसेटिंग फैक्टर लगता है,
सर वो कैसे याद रखें? वो मुझे नहीं लगता है कि याद रखने का जरूरत है, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि पास्ट टेंस उल्टा के देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम अभी मुझसे बोल दोगे सर इनवर्स का आपका मेन असाइनमेंट सीट दीजिए और वो सब तुम लोग बना पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मगर मेरा कहना है कि क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि क्योंकि AIPS आजकल इतना टफ आने लगा है, सब कुछ इतना टफ आने लगा है, एग्जामिनेशन से ज्यादा टफ आजकल तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लगा है दूसरे दूसरे सेंटर्स का, तो हमें भी करवाना पड़ेगा, मगर मैं करवाऊंगा इसीलिए। मगर मैं तुम्हें ऑन वीडियो रिकॉर्ड करके ये बोल रहा हूँ कि आज जहां तक मैं पढ़ाऊंगा 95% ऑफ द पास्ट ईयर उसी के अंदर आता है। ये मैं फंक्शन में मैंने नहीं बोला था ना, जब मैंने फंक्शन बोर्ड लेवल में करवाया था, और ना तो लिमिट्स में बोलूंगा। 3 tan इनवर्स एक्स ये है, अब वैसे ही साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, एग्जैक्टली साइन ए साइन बी जैसा ही दिखता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अपने आप को समझा दो कि इसे बोर्ड लेवल में नहीं लगाओगे वरना मार्क्स कटने का चांस होता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस उल्टा हो जाता था वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय वन माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ये सब फॉर्मूलाज है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो आगे सर, थोड़ा रुकिए। बोल चलू, मैं किसी ने रुकना बोला था इसलिए। तो अब मेरे डीपीपी में तुम्हें अगर ऐसा सम मिलता है सॉल्व, अच्छा नीचे एक चीज लिख देना, कंपेंसेटिंग फैक्टर
कम पन सेटिंग फैक्टर इज रिक्वायर्ड। हाँ मैं तुम्हें लगता है कि इतना सबका कंपनसेटिंग फैक्टर याद रखना इतना आसान है? नहीं तो सर क्या करोगे? आज का एकदम रुक जाओ, एकदम लास्ट के लिए, लास्ट 10-15 मिनट में बताऊंगा सॉल्व, इसे सॉल्व करना है तो अभी कंपनसेटिंग फैक्टर के लिए माथा मत मारो, और अगर माथा मारना है तो ये सब को छोड़ देना, मत करना ये सब। 3x/5 रूट ओवर ऑफ 1 - 16x² / 25 प्लस 4x/5 1 - 9x² / 25 इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है, आगे सॉल्व कर लेना, स्क्वायर रूट है, दो बार करना होगा स्क्वायर, आसान सब नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, 0 + -1 खेला खत्म। आर डी शर्मा का समय रही है, हाँ उसने सॉल्व किया हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी को देखना है तो देख सकते हो, दो बार स्क्वायर रूट करना होगा आंसर आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, छोटा सा समय 30 सेकेंड्स। सर ये क्या अभी आप एंट्रेंस लेवल पे हो? मतलब मान सकते हो, मगर देखो आप प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला ना इसलिए ऊपर, तो मैंने कह दिया था, सुनने में आया था ऊपर कुछ तुझे? हाँ सर बोर्ड प्लस। हाँ अब बात क्या है कि अगर अब मैं यहाँ पे एंट्रेंस लेवल कह दूं और तुम्हें फिर बोलूं कि 1 घंटे के बाद की नेक्स्ट क्लास में मैं कॉन्टिन्यूटी में जाऊंगा, तो फिर मेरे ऊपर काउंटर क्वेश्चन आएगा, सर एंट्रेंस आपने खत्म कर दिया इनवर्स का, तो भैया नहीं खत्म किया है, बाद में कराऊंगा, मैं 1 घंटा में कुछ बोध से एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, आया समझ में? और ये सब आर डी शर्मा में है, ये सब आर डी शर्मा में, ठीक है, मगर आर डी में होने का मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड के कोर्स में। इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, इसके लिए मैं इसे बोर्ड प्लस का नाम ले रहा हूं, देन प्रूफ दैट x² + y² + z² + 2xyz = 1। तो 3 के लिए तो मैंने इनवर्स 3 के लिए फॉर्मूला मैंने 10 के लिए दिया था, यहां पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, तो सर क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, 2 में फॉर्मूला लगा दो, क्या हुआ? फॉर्मूला ये था xy - 1 - x² - 1 - y² और ये क्या π - cos inverse है, cos को इस साइड लेके आ जा रहा हूं, -1 - x² - 1 - y² cos π - cos inverse है, यहां पे क्या एंगल ले लूं? बस इतना मुझे बोलो cos π - θ क्या था, कोई बोलेगा? बस बोल -cos θ। थैंक्स। तो ये हो जाएगा -cos of cos inverse है, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो जेड को इस साइड लेके आ जाओ और रूट ओवर को इस साइड लेके आ जाओ, और अब दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं, किसी को लिखना है तो लिख। सर बोलते जा सर, सर क्रॉस चेक वाला हमें सिर्फ टेन इनवर्स में करना होता है। कौन सा सर? क्रॉस चेकिंग? नहीं मैंने तो क्यों टेन इनवर्स में, ऊपर वाला एग्जाम मैंने तो मेरे ख्याल में करवाया था, देख इसमें क्या था, यानी क्रॉस चेक? यस सर। तो इसमें भी तो क्या था, तेरा क्वेश्चन ये होगा, होना चाहिए था मेरे ख्याल में कि सर आपने यहाँ पे क्यों क्रॉस चेक नहीं किया, ये प्रॉब्लम है क्या? यस सर। क्वेश्चन पढ़ के देख क्या सॉल्व है या प्रूफ दैट है? सर नहीं सर, मतलब कुछ में नहीं करते हैं ना, जिसमें नहीं करते हैं वो मतलब एक्चुअली में वो इसका कोई तरीका ही नहीं है, सब में करना पड़ता है, जिसमें नहीं करते हैं उसमें ऑथर को पता होता है कि नहीं करना है, मगर एज ए स्टूडेंट तुम्हें करना ही पड़ेगा, या तुम्हें अपने भाग्य के ऊपर भरोसा रखना होगा कि हाँ क्रॉस चेक नहीं करने से आंसर सही है, कोई इसका लॉजिक नहीं कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। जैसे लॉग के इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त चेक करना ही पड़ता है क्रॉस चेक, और कई बार हम लोग किताबों में नहीं देखते हैं,
रीजन ये होता है कि ऑथर खुद चेक कर लेता है ब्रेन में कि हाँ ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, वरना लॉग में ऐसा कोई है ही नहीं कि तुम्हें क्रॉस चेक नहीं करना होगा। यू हैव, जैसे तुमने लॉग को कैंसिल कर दिया तुमने लॉग के डोमेन से तुम बाहर आ चुके हो, तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा। आगे चलो। यस सर। यस सर। दो मिनट। सॉल्व। दस मिनट। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। चलो शुरू करते हैं। क्या करूंगा? शिफ्टिंग। अगर मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूं तो माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय टू माइनस कितना कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, तो माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स वन माइनस एक्स। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? टू कॉस इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला था? कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? इस साइड कॉस इनवर्स है, इस साइड क्या है? ठीक है, तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हर समय जरूरी नहीं है कि तुम्हें मैंने फॉर्मूला सिखा दिया तो एंट्रेंस लेवल में भी फॉर्मूला लगाओगे तो हर समय आसान होगा। इससे तुम ऐसा नहीं करके तुम ये काम भी कर सकते थे और वो कहीं ज्यादा इससे तुम्हें आसान लगता कि जो सेम ऐसा सम हमने बोर्ड लेवल में किया बस वो साइन में था, इसको इधर लेके जाओ तो क्या हुआ? कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स। तो इसलिए देखो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ऊपर मैंने फॉर्मूला दिया और अब सर कहाँ क्या लगाना है यार, उसका वो करके देखना होगा। समझ में आ गया? ए फॉर एप्पल थोड़ी ना है कि ए फॉर एप्पल ही होता है सब किताब में। दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस एक्स कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा। क्यों, क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ क्या? टू कॉस इनवर्स एक्स। और अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को ये ले लूं तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस ए, तो ये एंगल ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये वन, तो ये क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा हुआ? वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? साइन ट्वाइस ए। साइन ट्वाइस ए के बदले क्या लिख सकते हो? वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या? टू साइन ए इंटू कितना? कॉस ए। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? वन माइनस एक्स टू, साइन ए के बदले क्या डाल सकते हो? रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ए के बदले क्या डाल सकते हो? एक्स। सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। तो क्या मिला? वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू टू जा फोर कितना? वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो एक पॉसिबिलिटी है कि वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो। और एक वन माइनस एक्स इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ क्या? वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या जीरो। अपने कैंसिल कैसे कर दो किस क्यों इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स और इसे ऐसा हाँ बोलो वन माइन हाँ बोलो ठीक है एक्स स्क्वायर इससे एक रूट निकल रहा है एक्स इज इक्वल टू वन पर इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जा रहा है इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जा रहा है फोर एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को इसका कोई रियल रूट नहीं निकलेगा फोर एक्स क्यू ऊपर से कुछ डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या नहीं आना चाहिए था शायद कहाँ पे सर लाइन नंबर नाइन पे तो ये माइनस है उससे अंतर कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर कर दूंगा मैं उससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं आई एम मेकिंग स्क्वायर हाँ ये वन प्लस एक्स है ये भी एक अंतर है ओ यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा ये इसमें डोमेन वाला लॉजिक लगाना ये नहीं हो पाएगा अभी ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा जब डोमेन वाला लॉजिक तब करोगे नेक्स्ट क्लास करवा दूंगा ये सबको अभी छोड़ो ये लंबा हो जा रहा है यहाँ पे ग्राफ बना के मैं नो रूल्स दिखा सकता हूँ मगर जरूरत नहीं है अभी उस चीज का ठीक है ये लिखना है तो लिख लो ये तो लिख ही लिया होगा तो आगे चलता हूँ चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स ये हर समय नहीं था रे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक था कोई बोलेगा साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स तब होता है जब ये कहां से कहां तक लाई करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ठीक है इससे ऊपर पहला सब हो जाता रे डोमेन एक एक छोटा सा ट्रिक है वो नेक्स्ट क्लास में तुम देखोगे आज नहीं देखोगे इसे ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय थ्री क्या तुम यहां पे कैंसिल कर सकते हो हाँ क्यों क्योंकि पाई बाय थ्री जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बोलो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू से पाई बाय टू मगर अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन टू पाई बाय थ्री बोलता तब कैंसिल कर पाते नो सर अगर तुम 2 पाई बाय 3 को क्या तुम पाई माइनस 2 पाई बाय 3 नहीं लिख सकते हो बात तो बराबर है क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना था पाई माइनस पाई बाय 3 नहीं बात वो मैं नहीं कर रहा हूं मैं उल्टा लगा रहा हूं मैं उल्टा लगा रहा हूं मैं साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख रहा हूं समझ में आ रहा है यस सर ये इससे लगा रहा हूं क्योंकि अब मैं कैंसिल कर सकता हूं क्यों क्योंकि पाई माइनस टू पाई बाय थ्री का वैल्यू क्या था पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री जो कहां से कहां तक लाई कर रहा है माइनस पाई बाय टू से लेके क्या पाई बाय टू मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन वन क्या कैंसिल कर सकते हो नो सर अगर कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा मुझे जो बोलो ना कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा अभी अभी अगर डायरेक्ट कैंसिल करो तो वैल्यू क्या मिलेगा क्या वन माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में पाई बाय टू का वैल्यू 1.57 तो मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एंगल होने से ही कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो या नहीं हाँ या ना हाँ कर सकते हो मगर साइन इनवर्स ऑफ साइन टू में कैंसिल कर सकते हो क्या नो सर नो सर क्यों नहीं कर पाओगे 1.57 और माइनस 1.57 से बड़ा है मगर 2 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है 2 पाई से तो छोटा है ना है नहीं सेकंड क्वाड्रेंट यस सर और अभी मैंने कुछ कहा था कि तुम साइन थीटा को क्या साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो यस सर यस सर तो साइन इनवर्स साइन 2 को क्या मैं साइन पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2 लिख सकता हूं
यस सर बराबर है, मगर अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 माइनस 2, तो 1.14 लेस देन कितना आ रहा है बोलो, 1.57। मगर अब मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट मेथड दूंगा, ये करने का जरूरत नहीं है, मगर लिखना है तो किसी को लिखना है, ये वाला मैं आ रहा हूँ हाँ दो मिनट में, उसके बाद इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है। कुछ देर के अंदर जो बच्चे मेरे साथ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बोलने लगेंगे, वो देखना सी फॉर कैट भी बोल देंगे कुछ देर के अंदर, और नहीं बोलोगे तो मोबाइल देखो। चलो आगे। हाँ सर। यस सर। ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए बता, फिर से पूछूंगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से पाई बाई। बोलते रहो, बिलीव मी 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा क्या समझा रहा। अगर माइक्रोफोन ठीक ठाक है तो, मैं बोलने के कारण अगर बाहर निकल जाता हूँ तो जरूरत नहीं। साइन थीटा अगर पॉजिटिव हो तब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा? अगर साइन थीटा पॉजिटिव हो तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब कहां से कहां तक? जीरो से पाई बाय 2। मेरा कहना है जीरो से पाई बाय 2 क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बस इतना याद रखो। जब साइन थीटा नेगेटिव होगा तो माइनस पाई बाय 2 से जीरो, जो क्या क्वांटिटी है? नेगेटिव। नेगेटिव जो एक नेगेटिव क्वांटिटी। मुझे चाहिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 6। इसका एल्गो ही है गेट नियरेस्ट एन पाई, गेट नियरेस्ट एन पाई। 6 का नियरेस्ट एन पाई देखो, सिक्स का नियरेस्ट एन पाई, तो सिक्स जो होगा देखो वो 2 पाई के आसपास होगा, 2 पाई 6.2 था नहीं क्या, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 जो होगा ऊपर तो होगा नहीं, नीचे होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो तुम्हें ये एंगल चाहिए अल्टीमेटली। अब इसमें दो वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अब डिपेंड करता है 6 कौन से क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन 6 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर साइन 6 नेगेटिव होगा तो जो फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अब नेगेटिव में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि क्या मैं तब इसका मतलब 2π-6 लिखूंगा या 6π-2π लिखूंगा, क्या बोलते हो, कौन सा प्रेफर करूं? 2π-6 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मगर 6π-2π क्या क्वांटिटी है? 6.2 है ना रे, तो इसका मतलब जब तुम साइन इनवर्स ऑफ साइन x बोलोगे, साइन 6 बोलोगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6π-2π, मतलब इसको नहीं लोगे। और एक बता रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 9, अब 9 किसके आसपास होगा?
3 पाई मतलब कितना हुआ 3.3 9.3 तो 9 कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट अब 9 जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो साइन 9 पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव क्या लोगे 9 माइनस 3 पाई लोगे या 3 पाई माइनस 9 लोगे 3 पाई माइनस 9 हो गया खेला खत्म साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 ये 18 ले लेता हूं चलो तो 18 किसके आसपास 6 पाई तो 18 से भरा होगा इसलिए 18 यहां पे होगा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए क्या लोगे 18 माइनस 6 पाई ये नेगेटिव है किसी को भी डाउट है तो पूछेगा लिखना है तो लिखो थोड़ा बड़े अक्षरों में दे रहा हूँ सरकाते हुए जाऊंगा बोलोगे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कहीं डाउट है तो बोलो तुम बोलोगे सर थ्योरेटिकली बताइए थ्योरेटिकली यही करना हो और बार बार ये नहीं करके मैं अलजेब्रिकली बता रहा हूँ ये ठीक है शॉर्टकट मेथड दे रहा हूँ थोड़ा सा नीचे कर दीजिए आगे चलो हाँ सर तो जो साइन इनवर्स के लिए था वही कॉसेक इनवर्स के लिए था तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 4 क्या होगा 4 के आसपास का क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट का वैल्यू 1.57 होता है हाँ 4 के आसपास 4 का नियरेस्ट एंड पाए क्या लोगे बोलोगे तो अच्छा लगेगा 4 का नियरेस्ट एंड पाए नहीं आ रहा है समझ में तुम लोग को 2 पाई का वैल्यू 2 into 6 2 into 3 पॉइंट तो ये 6.2 हो जाएगा कितने का डिफरेंस है 2.2 एक क्वाड्रेंट का डिफरेंस 1.57 होता है तो अब बोलो 4 का नियरेस्ट पाई 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 क्योंकि पाई का वैल्यू क्या है 3.14 और अब डिफरेंस कितना आ रहा है 0.86 तो पाई नियरेस्ट होगा तो 4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड में जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पे कॉसेक 4 पॉजिटिव या नेगेटिव कॉसेक 4 नेगेटिव तो बाहर क्या वैल्यू निकलेगा पाई माइनस 4 या 4 माइनस पाई माइनस क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है किसी को लिखना है तो लिख लो
तो पाई माइनस फोर कैसे हुआ? क्यों पाई का वैल्यू नेगेटिव में चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। तो पाई का वैल्यू 3.14, तो 3.14 माइनस फोर ही तो नेगेटिव होगा। ओह यस सर। आगे चलो। यस सर। यस सर। तो टेन इनवर्स में भी यही लॉजिक लगेगा क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, तो इसमें भी वही लॉजिक लगता है कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा ये जीरो से पाई बाय टू तक तब लाई करेगा जब टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा माइनस पाई बाय टू से जीरो तक तब लाई करेगा जब टेन थीटा नेगेटिव होगा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टेन इनवर्स ऑफ टेन टू क्या होगा? अब टू क्योंकि पाई बाय टू से बड़ा है, मगर टू देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टेन टू नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो बाहर क्या निकालूं मैं, टू माइनस पाई या पाई माइनस टू? टू माइनस पाई। मुझे नेगेटिव क्वांटिटी बाहर चाहिए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मुझे क्या, मुझे एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो मैंने कह ही दिया ना, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये टू माइनस पाई होगा। और वही अगर मैं तुमसे कभी टेन इनवर्स ऑफ टेन फिफ्टीन टेन सेवनटीन पूछूं तो 17 कहाँ पे लाई करेगा? तो 17 मतलब तुम्हारे पास 6 पाई, 6 पाई का वैल्यू कितना था? 6 × 3.14, तो इसका मतलब 18.6 और 17 कितने का डिफरेंस है? 1.6, तो 1.57 से बड़ा हो गया, इसलिए 17 यहाँ पे होगा, तो ये 5 पाई हो जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वार्टर में 10-17 क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या बाहर निकालोगे? पॉजिटिव 17 माइनस 5 पाई। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? यस सर। मगर कॉस इनवर्स में ये लॉजिक नहीं लगता है, क्योंकि कॉस इनवर्स कहां से कहां तक था? जीरो से पाई। जीरो से पाई। इसलिए अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स एक एक्यूट एंगल बनाता है, ये जीरो से पाई बाय टू तक लाई करेगा, जो हर समय एक पॉजिटिव होगा मगर एक्यूट एंगल होगा। मगर कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा जो है वो हर समय पाई बाय टू से पाई तक जाएगा, मतलब ये भी एक पॉजिटिव एंगल होगा मगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अब यहां का जो एल्गोरिथम है वो है गेट nearest twice n pi। तुम बोलोगे सर इसी में तो कंफ्यूजन है, ठीक है आपने शॉर्टकट तो दे दिया, मगर क्यों ये twice n pi के रेस्पेक्ट में होगा? बताता हूं। साइन का पाई के रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला था, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ये लगता था तो इसलिए पाई के नियर जाता था। पाई का नियर मतलब मैं एन पाई के नियर जा सकता हूँ। टेन का भी एक फॉर्मूला था, टेन पाई प्लस थीटा, जो तुम लगाते हो छोटा करने के लिए, तो ये भी पाई के आसपास है। मगर कॉस का जो फॉर्मूला है देखो वो 2 पाई माइनस थीटा है, था या नहीं? यस सर। तो कॉस को कॉस बनाने के लिए तुम्हें 2 पाई के रेस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा, तो जनरल वैल्यू के लिए मैंने ट्वाइस एन पाई ले लिया है, मगर साइन और टेन दोनों ही पाई के टर्म में है तो इसलिए वो एन पाई के टर्म में ही चलता,
तो कॉस में हर समय तुम ट्वाइस एंड पाई सामने लोगे, मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थ्री, तो क्या ये थ्री हो सकता है? पहले ये बोलो, क्या ये थ्री हो सकता है, हाँ या ना, जो मन में आ रहा है। ठीक है, हिंट दे रहा हूं, ये हिंट है और इसे तुम्हें याद रखना होगा, इसे तुम्हें बाय हर्ट याद रखना होगा अगर ऐसे सम्स को सॉल्व करना चाहते हो कि कॉस इनवर्स जीरो से पाई तक हो सकता है। yes, तो yes, हो सकता है, मगर वही अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फोर दूं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि फोर यहाँ पे है। अब मैंने नियरेस्ट पाई नहीं बोला, नियरेस्ट एन पाई बोला, फोर तो पाई के आसपास है, तो नियरेस्ट एन पाई टू पाई होगा। अब कॉस इनवर्स क्या कभी भी नेगेटिव है? जीरो से पाई ये कभी भी नेगेटिव है? जीरो से पाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जीरो से पाई ऑलवेज पॉजिटिव, तो कौन सा लोगे, टू पाई माइनस फोर लोगे या फोर माइनस टू पाई लोगे? पॉजिटिव, और ऑटोमेटिकली ये ऑब्ट्यूज हो गया। देखो हुआ है नहीं ऑब्ट्यूज एंगल, देखो ना ये एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? ऑब्ट्यूज, यहाँ पे ऑब्ट्यूज का कोई यूज नहीं है, हर समय पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, मगर इसका यूज बाद में कभी पड़ सकता है, इसलिए मैंने बोला। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूंगी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15 बोलो, तो 15 किसके आसपास होगा? 5 पाई, मगर 5 पाई से थोड़ा सा छोटा, तो 15 का नियरेस्ट क्या होगा? ट्वाइस एन पाई, 4 पाई, तो तुम ये वाला एंगल लोगे, तो क्या लोगे, 15 माइनस 4 पाई लोगे या 4 पाई माइनस 15? फिर से मैं कह रहा हूँ कॉस इनवर्स जीरो से पाई है, जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसे तुम्हें बाय हर्ट याद रखना है, तो इसलिए वैल्यू क्या होगा, 15 माइनस 4 पाई। किसी को लिखना है तो लिख लो, डेढ़ मिनट का टाइम देता हूं। डाउट है तो पूछो, कहीं भी डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट हो सकता है सर थ्योरेटिकली कैसे करोगे, बताऊं? बता देता हूं। तब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, क्या इसे 5 लिख सकते हो? नो सर। नो सर। मगर क्या इसे तुम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस 5 लिख सकते हो? यस सर। कैंसिल करके 2 पाई माइनस 5 आया, समझ में? और अब ये लेस देन पाई है, पाई का मतलब लेस देन 3.14 है, हाँ चलेगा। तो हम ऐसा नहीं करके, हम ग्राफ से देख रहे हैं। आगे चलूं? यस सर। थोड़ा रुकिए सर। हाँ बोल सर। 5 पाई माइनस 15 भी लेते तो भी तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता ना। कौन सा कॉस इनवर्स? 5 पाई माइनस 15, 5 पाई माइनस 15 एक्यूट होता है या ऑब्ट्यूज होता सर? एक्यूट। एक्यूट, मगर कॉस 15 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कॉस 15 नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो तुम एक्यूट कैसे लोगे? नेगेटिव में क्या होना चाहिए था? हाँ। तुम्हें जो लेने का मन वही नहीं ले पाओगे ना, आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि तुम ये यहाँ से देखो, जब तुम कॉस 5 पाई माइनस 15 कर रहे हो तो ये कॉस 15 नहीं हो रहा है, ये माइनस कॉस 15 हो रहा है नहीं, और तुम्हें कॉस 15 का वैल्यू चाहिए। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। तो सेक में भी वही लगेगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक 10 किसके आसपास? 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा, तो नियरेस्ट 10 पाई 4 पाई होगा, तो क्या लोगे आंसर? ऑब्ट्यूज, 4 पाई माइनस 10। 15 सेकंड दे रहा हूं, लिखना है तो लिख।
आगे चलूं? हाँ सर यस सर यस सर मगर कॉट में ये नहीं होता है. कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या कहां से कहां तक लाई करता है? कॉट इनवर्स कहां से कहां तक लाई करता था? जीरो से पाई नॉट इंक्लूडेड. कॉट इनवर्स से कॉट थीटा जीरो से पाई मतलब ऑलवेज पॉजिटिव. तो फिर से वही लॉजिक कि कॉट थीटा अगर पॉजिटिव होगा तभी तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा मतलब जीरो से पाई बाय टू जो एक एक्यूट पॉजिटिव एंगल है. मगर जब कॉट थीटा नेगेटिव होगा तब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा जो होगा वो पाई बाय टू से पाई तक लाई करेगा जो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा. मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट टू क्या इसे टू लिख सकते हो? हाँ या ना? क्योंकि पाई से छोटा है. मगर जब मैं तुम्हें कॉट इनवर्स ऑफ कॉट फोर देता हूं तो यहां पे अब नियरेस्ट एन पाई नहीं यहां पे ऑब्ट्यूज या एक्यूट देखना है. कॉट फोर कौन सा क्वाड्रेंट? फोर कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड. तो कॉट फोर क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव के लिए ये येलो लाइन है एक्यूट एंगल. एक्यूट तो एक्यूट किसके साथ बनेगा? थ्री पाई के साथ या फोर सॉरी पाई के साथ या टू पाई के साथ? पाई. पाई हर समय पॉजिटिव वैल्यू लेना है इसलिए क्या लिखोगे? फोर माइनस पाई. cot inverse of cot 6 2 pi 6 कौन सा quadrant? fourth में cot 6 negative. तो ये blue वाला line. तो अगर ये blue वाला line तो obtuse किसके साथ बनेगा? 2 pi के साथ या pi के साथ? pi के साथ. और positive ही लोगे क्या होगा? कुछ बच्चे ऐसा याद रखते हैं कि क्वाड अगर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसके साथ जाता है और अगर फर्स्ट और सेकंड है तो इस वाले के साथ जाता है. तुम्हें जैसे भी याद रखना है. कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं. तो फाइनली मैं तुम्हें बोलता हूँ क्वाड इनवर्स ऑफ क्वाड 15 क्या होगा. 15 5 पाई से छोटा होता है. कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड. सेकंड में क्वाड 15 क्या? नेगेटिव. तो नेगेटिव मतलब ये वाले के साथ तो ये ऑब्ट्यूज एक्यूट है नहीं? यस सर. मुझे ऑब्ट्यूज चाहिए तो ये वाला. तो फिर 5 पाई से पहले क्या आएगा? 4 पाई. 4 पाई तो इसलिए क्या लोगे? 15 माइनस 4 पाई. खेला खत्म. ये वाला फिर नेक्स्ट टाइप में जाएंगे. शरीफ ज्ञानुंकर सर प्रेजेंट. दीक्षित प्रेजेंट सर. अनुराग प्रेजेंट सर. निशान प्रेजेंट सर. इस पर्सन प्रेजेंट सर. गिरेंद्र प्रेजेंट सर. रुद्रनील प्रेजेंट सर. टीसा प्रेजेंट सर. बार्बी प्रेजेंट सर. विनोना वेदांता नयन प्रेजेंट सर. सुदर्शन प्रेजेंट सर. रोशन प्रेजेंट सर. हर्षिता प्रेजेंट. तनवीर हितांशी प्रेजेंट सर. प्रसुर्जिया प्रेजेंट सर. अभिनव प्रेजेंट सर. मैत्री प्रेजेंट सर. रत्ना जी आदर्श प्रेजेंट सर.
Soham. Present, sir. Krishanu. Shahbaz. Rudrax. Present, sir. Bhargav. Rohit. Present, sir. Anvesa. Present, sir. किसी का नाम, किसी का माइक खराब है तो वो रेज योर हैंड कर दे। भार्गव चौधरी कर दिया, ठीक है। भार्गव चौधरी ठीक है, आगे चल रहा हूं। अब देखो इस चीज को, जो वो जो अब तुम लोग कंपनसेटिंग फैक्टर में ये कैसे यूज करोगे, इस चीज को समझो। हाँ मैं अगर तुम्हें बोलूं पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन टू पाई है और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का वैल्यू निकालो, टू पाई तक तो नहीं होगा, थ्री पाई बाय टू तक। तो अभी जो मैंने लॉजिक किया कि अगर थीटा यहां पे है तो क्या करोगे, इसका नियरेस्ट पाई क्या होगा, अभी थोड़े पहले लॉजिक दिया था ना, बस अब अंतर क्या, मैं नंबर नहीं देके थीटा बोल रहा हूं, तो इसका नियरेस्ट पाई क्या होगा, ये यहां से तुम्हें पता चलेगा क्या होगा, तो अगर ये पाई होगा तो ये वाला एंगल क्या लोगे, मतलब साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए बाहर क्या निकालोगे, पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यूज करूंगा, देखो कैसे प्रॉब्लम। साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो इज ए, कॉस इनवर्स एक्स बी, माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स सी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स डी, पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स को क्या लोगे, देखो ये सम को निकालना है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले लिखने का टाइम दे दूंगा, देखो ना। अब यहां पे तुम ऐसे होने से तुम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते थे बोलो, अगर तुम ऑप्शन में नहीं देखोगे तो तुम बोलोगे सर एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं जरा सोचो ना, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना अच्छा है या कॉस थीटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए ना, कॉस थीटा। कभी कभी तुम ऑप्शन से भी देखो कि ऑप्शन टोटल किसके टर्म में है, ये भी एक तरीका है, तुम बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो, ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू नहीं रखना है, ऑलमोस्ट सब एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, और नहीं तो तुम जानते हो साइन लिखने से तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, कॉस ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं एक्स कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ले लेता हूं, मगर एक्स नेगेटिव है तो थीटा कहां से कहां तक होगा, कोई मुझे बोलेगा, एक्स नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होगा जी, मैं फिर से बोला ना यही चीज में फंस जाओगे, जीरो से पाई बाय टू या पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई, ये तुम्हें मुझे बोलना होगा ना, देखो क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर बच्चा ये नहीं बोल पाएगा तो ये सम सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्लास में एटलीस्ट एक बच्चा जो ये जानता है तो उसे मैं समझाऊंगा ये बात, क्योंकि अगर ये नहीं जानता हो तो ये सम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, वो मीनिंगलेस है कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया आपने बहुत बुरा पढ़ाया, चलो तो इसलिए मुझे बोलोगे तो थीटा कहां से कहां तक है, और किसी को डाउट है तो बोलेगा पाई बाय टू से पाई। अब ये तब एक्सप्रेशन क्या बना बोलो, साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स के बदले क्या डालोगे, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं एंट्रेंस लेवल में हूं, मुझे मॉड देना होगा, अब मैंने पहले ही बोला है कि ये बोर्ड में ये नहीं आएगा, मॉड साइन थीटा, थीटा कहां से कहां तक है, पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई, साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो, मगर इसे थीटा नहीं लिख सकते, क्यों, अगर ये तुम थीटा लिखोगे तो देखो ये पाई बाय टू से बड़ा हो जाएगा, होगा नहीं, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक है, बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूँ, साइन इनवर्स कभी भी, तो इसलिए ये काम नहीं कर सकते हो, तो सर क्या करेंगे,
तो थीटा तुम्हारा पाई बाय टू से लेके पाई के बीच में, तो पाई लोगे तो अब ये वाला एंगल चाहिए होगा, क्या लोगे, पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो इसलिए पाई माइनस थीटा। अब थीटा के बदले क्या लिख सकते हो, तुमने क्या लिया कॉस इनवर्स एक्स, हेंस यू गॉट द आंसर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये एंट्रेंस लेवल है, ठीक है, बोर्ड प्लस बोल रहा हूँ, हालांकि यू विल गेट इन आरडी, आरडी में तुम देखोगे हर फार्मूला में उसने कंपनसेटिंग फैक्टर लगाया, ठीक है, हर फार्मूला में कंपनसेटिंग फैक्टर लगाया और वो यही लॉजिक से लगाया है उसने। हालांकि बोर्ड में कंपनसेटिंग फैक्टर का केवल एक ही सम है, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री वाला, उसे छोड़ के और कहीं जरूरत नहीं पड़ता है, लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर ये अधूरा पढ़ाई है, जो भी है एनसीईआरटी को जाके पीआईएल दो, मुझे मत दो। तो सर स्कूल में इसलिए सर कंपनसेटिंग फैक्टर बोला ही नहीं, आप क्यों बोल रहे, वो भी गलत है, वो भी गलत है। चलो आगे सर, थोड़ा रुकिए। सर हो गया, अगर उल्टा होता तो x less than 0 और cos inverse 1 minus x square को तुम्हें sin inverse के टर्म में निकालना होता, मैं बार बार ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, शुरू करूं x का वैल्यू क्या लिखूंगा, sin थीटा, मतलब sin inverse x को थीटा लूंगा, तो x sin थीटा, मगर x नेगेटिव है रे, तब साइन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलोगे साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू से जीरो, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाय टू से जीरो तक, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर एक्स का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल दूं तो कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा, मगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो तुम बोलोगे सर कॉस थीटा लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हो ना रे, क्यों, क्योंकि तुम जानते हो थीटा जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस पाई बाय टू से जीरो, और कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसलिए इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा, जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू, तो जीरो से पाई बाय टू करने के लिए अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलता है, तो तुम बोलोगे सर ये कैसे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकता हूं मैं कॉस थीटा को, क्या ये नहीं लिख सकता हूं कॉस ऑफ माइनस थीटा, सर क्या बोल रहे हो आप, हाँ क्या बोल रहा हूं, क्यों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा सम तुम लोगों को मिला होगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाय थ्री, क्या करते थे, कैंसिल करते थे या तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय थ्री लिखते थे, क्या करते थे, यही करते थे ना, उसके बाद कैंसिल करके पाई बाय थ्री, तो मैं भी वही कर रहा हूं, मतलब तुम साइन चेंज कर दे रहे हो क्योंकि ये नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना दे रहे हो, तो वही मैं भी कर रहा हूँ, ये थीटा नेगेटिव होने के कारण मैं माइनस थीटा ले रहा हूँ, हाँ अब कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसलिए आंसर क्या है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, खेला खत्म। तुम बोलोगे सर इसे अगर इससे बनाते हो तो हाँ इससे भी बना सकते थे, अगर कंफ्यूज नहीं हो गए तो, ये थीटा है
और थीटा जीरो से लेके माइनस पाई बाय टू से जीरो तक है, तो नियरेस्ट टेन पाई तो जीरो होगा ना रे। तो तुम जब ये वैल्यू लोगे तो क्या लोगे, जीरो माइनस थीटा लोगे या जीरो थीटा माइनस जीरो लोगे, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे तुम नहीं बोल पाए, मगर अगर मैं यहां पे टू पाई दे देता और यहां पे सिक्स देता आप मुझे बोल पाओ, टू पाई माइनस सिक्स लोगे या सिक्स माइनस टू पाई लोगे? ये पड़ा है तो टू पाई माइनस सिक्स, तो आप बोलो यहाँ पे क्या लोगे, जीरो माइनस जीरो माइनस थीटा, तो क्या मिला माइनस थीटा, तो हैंस ठीक है, तो माइनस थीटा वही आंसर आ रहा है। तो जैसे भी निकालना है तो सोचना होगा ऐसे, हालांकि ये एंट्रेंस लेवल में मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये बोर्ड लेवल ठीक है, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में भी करवाऊंगा, हाँ ज्यादा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा करवाऊंगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में जाऊंगा, आज शुरू नहीं हो पाया कॉन्टिन्यूटी, हाँ लिखना है तो लिख लो फिर आगे। सो थोड़ा नीचे कर देंगे, चलो आगे। यस सर दो मिनट, तो आज का देखो हाँ टीबीएस और स्पेशल डीपी भी मिला दिया हूँ, हाँ क्योंकि ज्यादा देने से फिर ज्यादा हो जाता है, फिर ऐसे ही ज्यादा मैं देता हूँ ठीक है, तो इसलिए क्या तुम ये फॉर्मूला जानते हो? मगर एक रेस्ट्रिक्शन था, अब वो रेस्ट्रिक्शन कैसे पता चले, ठीक है रेस्ट्रिक्शन कैसे पता चले कि ये है, तो ठीक है मैं बताता हूं सॉल्यूशन प्रूफ करने के लिए क्या लोगे, ये तो क्लियर है, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे थीटा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या टेन इनवर्स ऑफ ट्वाइस टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन ट्वाइस थीटा। ये कैंसिलेशन कब हो सकता था, कोई मुझे बोलेगा ये कब अलाउड है, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, किसके ऊपर कंडीशन आएगा टू थीटा, क्या कंडीशन आएगा, सही गलत का चिंता मत करो प्लीज, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मैं खुश हो गया समझ में आया, मैं बहुत खुश हो गया, बाकी लोगों को बताता हूं जिनको प्रॉब्लम है, याद है टेन इनवर्स ऑफ टेन ए तभी कैंसिलेशन होता था जब ए का वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक लागू होता था, यहां पे मैं कैंसिलेशन करके मैं ट्वाइस थीटा लेके आ रहा हूं, तो अगर ट्वाइस थीटा तो मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए ना, ट्वाइस थीटा अगर पाई बाय टू से पाई बाय टू तक है तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में तो टेन थीटा इंक्रीजिंग है, तो टेन थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस वन से मतलब
माइनस वन से वन एक्स टेन थीटा ही एक्स था ना देखना हेंस टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर तभी पॉसिबल है कब जब एक्स कहां से कहां तक हो बोलो माइनस वन से वन सर क्या होगा अगर एक्स वन से बड़ा होगा ये भी मैं अभी बताऊंगा ठीक है जो आरडी मैं बार बार आज आरडी शर्मा ही बोल रहा हूं मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूं और जो बाकी है वो भी आरडी शर्मा में तो मेरा ये कहना है कि अब बाकी ठीक है वो जो आरडी ने कंपनसेटिंग फैक्टर लगाया वो मैं कैसे लगाऊंगा वो सिखाऊंगा ये लिखना है तो लिख लो मैं डेढ़ मिनट का टाइम देता हूं किसी को डाउट है तो पूछेगा स्पेशल डीपीपी भेज दिया है व्हाट्सएप और जो लोग लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे जरा प्रेशर दोगे सर वीडियो अच्छा वीडियो मैं ऑलमोस्ट मगर ऐप में ना उसी दिन अपलोड कर देता हूँ मगर वेबसाइट में अपलोड करने में थोड़ा कोडिंग वोडिंग थोड़ा सा करना पड़ता है कोडिंग तो नहीं है बस ठीक है ड्रैग एंड ड्रॉप है मगर इसलिए वो नहीं हो पाता है कई बार मैं थक भी जाता हूँ ठीक है थोड़ा सा क्या है कि मैं कमजोर हो गया सर आप संडे बैच का वीडियो भेज देंगे क्या जरूरत नहीं है तुम लोग इसलिए तो मैं जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्लास में तो यहीं पे स्कूल का एग्जाम आ जाएगा सर अभी तक डेट दिया नहीं तो, 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 तब तक तो मैं नेक्स्ट क्लास से तो कंटिन्यूटी शुरू कर रहा हूँ समझ में आया तो जरूरत नहीं है उसका हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ आराम से ये करो समझ में आया डीपीपी भेज रहा हूँ ये भेज रहा हूँ ये करो हाँ समर वेकेशन चल रहा है सब स्कूल का भी क्या चिंता है हाँ सर बोल सर कैन मतलब मैट्रिसेस का वीडियो मिलेगा क्या वेबसाइट में आपका लास्ट मैट्रिसेस का तो मैं एक काम करता हूँ मैट्रिसेस वाला सबको ही भेज देता हूँ तो अभी याद दिलाया मगर मैट्राइसिस में ना मैं फिर से कह रहा हूं डिटर्मिनेंट नहीं मैट्राइसिस में संडे वाले वैसे में बहुत हल्ला होने लगता है ठीक है चलो करवा ही दूंगा यहाँ पे कभी करवा दूंगा चलो आगे आगे चलता हूँ ठीक है तो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स आने से क्लास का वो बिगड़ जाता है अब चलो ये आया है प्रॉब्लम और तुम लोगों ने बोला था सर यहाँ पे आप कुछ कराओ यहाँ करवा रहा कि tan inverse twice x by 1 minus x square क्या होता है अगर x किससे बड़ा हो बोलो 1 से तो ये तो तुम जानते हो कि तुम tan inverse x को थीटा लोगे x अगर 1 से बड़ा है x अगर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो tan inverse x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सर कैसे पता चलेगा tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square होता है नेक्स्ट क्लास के लिए रुक जाओ नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें बताऊंगा तो यूज कर रहा हूँ कोई बहुत हाहाकार मत करो वन से इन्फिनिटी टेन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर से लेके टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू तक होता है तो थीटा का जो वैल्यू है वो पाई बाय फोर से पाई बाय टू तक हो गया वेरी गुड सर तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में डालो जब एक्सप्रेशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स ऑफ क्या एक्स के बदले क्या डालोगे टेन इनवर्स ऑफ क्या टू tan थीटा बाय क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या tan ट्वाइस थीटा अब ट्वाइस थीटा तब कहां से कहां तक लाई करेगा पाई बाय 2 से पाई अब पाई बाय 2 से पाई में तो तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि tan इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था तो 2 थीटा पाई बाय 2 से लेके पाई तक और ये पाई है तो इसे क्या लिखते थे कोई बोलेगा 2 थीटा माइनस पाई या पाई माइनस 2 थीटा टेक योर टाइम सही गलत का मुझे चिंता नहीं माइनस आप मुझे रीजन बोलो मैं कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में टेन नेगेटिव होता है सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू निकलेगा ट्वाइस थीटा बड़ा या पाई बड़ा पाई बड़ा इसलिए क्या होगा बोलो ट्वाइस थीटा माइनस मतलब टू थीटा के बदले क्या लिखोगे टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई तो इसीलिए जब तुम आर डी शर्मा में देखोगे हालांकि बोर्ड में नहीं है और एंट्रेंस में इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है मैं तो बिंदास होके बोल सकता हूं कि
100% सम हो जाएगा। मैं ठीक है चलो 100 नहीं बोलता हूँ, एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तब फॉर्मूला ये लगता है। तो ये कंपनसेटिंग फैक्टर का मजा है, ठीक लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलो। मैट्रिसेस का नहीं, सबको नहीं भेजूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे सर क्या क्या देखा, ठीक है जिस चीज को चाहिए मुझे बोल देना, मैं भी एक सुदर्शन को भेज देता हूँ उसके बाद। सुदर्शन बोल रहा है ना मैट्रिसेस वाला? सर मुझे भी भेज देंगे। सर आप मुझे भी भेज देंगे दो मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं मुझे लगा था इस वाले फोल्डर में नहीं। सर आपने यूट्यूब में अपलोड किया था क्या पिछले साल? हाँ वही 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 मैं वही भेजने वाला हूँ, वही वही मैं देखा मैट्रिसेस इनवर्स फंक्शन सब कुछ है। हाँ मैं हटा नहीं रहा हूँ डायरेक्टली यही भेज दिया। किस किस को चाहिए बोलो तुम, पांच बंदे को तो अभी भेज दो। नाम बोलो। ज्ञान अंकुर। ज्ञान सर। रुद्र नील सर। रोहित। ज्ञान अंकुर रुद्र नील और किसी को चाहिए? सर प्रसिद्ध। सर अभिनव। सर डेन। अभिनव और किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज। आगे सर। इफ माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो तो कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू एम प्लस एन कॉस इनवर्स एक्स है, फाइंड एम एन एन कब होता है? कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो समझ में आ रहा है एक्स को कॉस थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स को थीटा, मगर एक्स कहां से कहां तक है? माइनस वन से जीरो में, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? पाई बाय टू से लेके पाई। तो इस वाले में डालोगे तो ये कॉस इनवर्स ऑफ टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। अब ट्वाइस थीटा तब कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? पाई से टू पाई, तो पाई से टू पाई में टू थीटा कुछ भी हो सकता है, हर समय ट्वाइस पाई के टर्म में ढूंढना था। याद आ रहा है क्या था इसका वैल्यू? टू पाई माइनस ट्वाइस थीटा मतलब टू पाई माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स। इसे कंपेयर कर लोगे एम प्लस एन कॉस इनवर्स एक्स से तो एम और एन का वैल्यू निकल। किसी को लिखना है तो लिखो, कहीं डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो ट्वाइस थीटा जीरो से टू पाई से टू पाई था, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, इसका नियरेस्ट टू पाई था, तो टू पाई से तुम्हें लेना है, मगर हर समय पॉजिटिव लेना होता है, वो सब याद रखना है, बार बार ये नहीं समझाऊ। हर समय पॉजिटिव लेना है, कॉस इनवर्स हर समय पॉजिटिव होता है, ठीक है। दीज आर ऑल थिंग्स।
आगे चलूं? यस सर। यस सर। मगर एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, कई चीजों को तुम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्या सर बार बार ऐसे ही करना है, नहीं, मतलब परफेक्ट वाले के लिए बता रहा हूं हाँ, कि जहां पे कुछ कंपनसेटिंग नहीं लगाना होगा कि ये कब होता है, ज्यादा चिंता मत करो। साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, किसका रेंज बड़ा है पहले ये बोलो। साइन इनवर्स एक्स का रेंज है माइनस 90 से 90 तक, मगर 2 साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो तब काफी बड़ा हो जाएगा ना। साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम चाहे जो भी कर लो, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। मगर 2 साइन इनवर्स एक्स जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई से पाई। अब अगर ये दोनों सेम होना पड़ेगा तो क्या होना पड़ेगा, स्मॉलर रेंज में होना पड़ेगा चीजें ना, तो स्मॉलर रेंज तो ये वाला है, तो इसका मतलब है ये इक्वालिटी तभी ट्रू होगा, ये इक्वालिटी कब ट्रू होगा, ये इक्वालिटी तभी ट्रू होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का स्मॉलर रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक था, तो राइट हैंड साइड को भी कहां से कहां तक लाइक करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई, तो नहीं बोल सकते हो, तो राइट हैंड साइड क्या था, 2 इनटू कितना साइन इनवर्स एक्स, कहां से कहां तक लाइक करना होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाइक करना होगा, माइनस पाई बाय 4 से, तो एक्स साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेक्स्ट क्लास में दूंगा हां, घबराओ मत, साइन अगर इस साइड लेके जाओगे तो एक्स कहां से कहां तक, माइनस 1 बाय रूट 2 से लेके, तो हेंस ये फॉर्मूला तभी ट्रू होगा अगर एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 तक होगा, ठीक है। तो मतलब कंपेंसेटिंग वाले में नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉन कंपेंसेटिंग वाले में तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, जैसे अगर तुम लोगों ने देखा होगा मैंने एक फॉर्मूला दिया था cos 3 cos इनवर्स x का, क्या दिया था याद है, cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, ये इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, इसका रेंज बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, नहीं बोलोगे तो फिर मैं भी आगे नहीं चलूंगा, जीरो से पाई। तो इसका मतलब ये तो रेंज को बड़ा कर रहा है ना, तो इसलिए सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब 3 cos इनवर्स x जो है वो 0 से पाई तक लाई करे, तो cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो जब तुम cos 0 लगाओगे तो ये cos 0 हो जाएगा मगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा cos पाई बाय 3, तो cos 0 का वैल्यू 1 और cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना 1/2, तो ये तभी ट्रू होगा अगर x का वैल्यू कहां से कहां तक हो, 1/2। तो इस टाइप से तुम्हें सोच, ठीक है, तो ये नॉन कंपनसेटिंग वाले में डायरेक्टली ऐसा लगा सकते हो, ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 9:15 में आऊंगा डाउट्स के लिए, अगर है तो भेज दो, ठीक है, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है आज एक्चुअली।